हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलते हैं गुड वीडियो के साइड। आज हम बनाने वाले हैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। तो मैं आज बेसन से नाश्ता बनाऊंगी गाइस। ये मेरे पास है ना, 1 कप बेसन है, 1 कटोरी के बराबर है गाइस ये। अब इसमें हम डालेंगे हरी मिर्ची, 2 प्याज, हरा धनिया, इसमें हम डालेंगे सारे मसाले, 1 चम्मच जीरा, इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी का पाउडर, जैसा आप खाना चाहती का आप उसी हिसाब से डालें। अब गाइस इसमें डाल लेंगे हम नमक, नमक स्वाद के अकॉर्डिंग डालें, क्योंकि नमक बेसन में बहुत जल्दी ज़्यादा तेज हो जाता है, उस हिसाब से ही रखें नमक को। अब इसमें मैं डालूंगी अजवाइन। जब बेसन खाते हैं तो आप अजवाइन को जरूर डालें, क्योंकि इससे गैस नहीं बनती गाइस, अजवाइन से गैस नहीं बनती, ये अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। तो अजवाइन तो आपको बेसन की कोई चीज़ें बनाते ना तो उसमें जरूर डालते हैं, इसे ना सब एक सा कर लेते हैं, इस पर कुछ बेसन की गांठें हो जाती है ना। तो गाइस इसको मैं एक सा मिला लेती हूँ। अब इसका हम बेसन का घोल बनाते हैं। ये मेरे पास है ना 1 गिलास पानी है, मैंने ये पूरा 1 गिलास पानी डाल दिया है, 1 गिलास पानी है पूरा। तो मुझे ज़रूरत पड़ी ना तो मैं फिर डालूँगी। इसका हम अच्छा सा घोल बना लेते हैं, इसमें बिल्कुल भी लंग्स नहीं रह पाए गाइस, अच्छी तरह इसको फेंट लें गाइस। ये अच्छा सा पतला सा घोल हो गया है, मुझे इसमें पानी की अभी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसमें पानी नहीं डालूँगी। तो हम चलते हैं आगे प्रोसेसर की तरफ। ये मैंने पैन चढ़ाया है, इसमें ना हल्का सा हमने 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है। अब मैं इस घोल को इसके अंदर डाल दूंगी, सारा घोल हमने इसमें डाल दिया है। तो गाइस इसको हमें ना बेसन को पकाएंगे, लेकिन उससे पहले ना गाइस मैंने इसमें ना 2 आलू थे मेरे पास, उसको मैंने अच्छा सा मैश कर लिया है। तो ये मैं इसके अंदर आलू डाल दूंगी, बॉयल आलू है, इसको है ना अच्छा सा ग्रेट कर लिया है, इसमें हम आलू डालेंगे। तो इसमें हमने ना आलू डाल दिया है, और आलू को ना आप जब बेसन को ना पैन के अंदर डालें ना तभी इसमें ऐड करें, बेसन के साथ ना घोलें बिल्कुल भी। इसको ना फुल आंच पे ही पकाएंगे, इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे, क्योंकि ये ना तले में जाके अच्छे से बैठ जाता है, तो ये लंग्स भी पड़ जाते हैं गाइस। इसको बराबर इसी तरह चलाते रहेंगे हम। तो गाइस ये ना हर जगह से गाढ़ा भी हो रहा है, इसको ना मैं ऐसे ही चलाती रहूँगी, और इसमें तब तक बेसन पकाएंगे ना तो ये पानी भी इसके साथ ही मिल जाएगा, और बेसन अच्छा सा हमारा इस पानी में फूल जाएगा गाइस। अब इसी पोजीशन में मैं डाल दूँगी हींग। तो बेसन है तो हींग तो स्वाभाविक ही है, हींग तो डलेगी। और गाइस आप है ना साइड में एक थाली में ऑयल लगा दें, ये मैंने एक थाली ली है, इसमें ना पूरी तरफ चारों तरफ ऑयल लगा दिया ताकि ये बैटर चिपकेगा नहीं। ये काम क्या है फिर हम जल्दबाजी में कर नहीं पाते हैं, तो ये सब काम हमें पहले ही कर लेना चाहिए। उसको मैं अच्छे से मिला लूँगी ताकि हींग भी हमारी है ना इसमें मिल जाएगी। तो गाइस अब ये ना साइड से किनारा भी छोड़ने लगा है बेसन, देख रहे हैं गाइस ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, बस हमें ना ऐसे ही चाहिए। थोड़ा इसको 2 मिनट के लिए और भून लेते हैं तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तो गाइस बस हमें ना ये ऐसे ही बैटर बनाना है, ये देखो चारों तरफ इकट्ठा हो रहा है ना। अब मैं इसको है ना दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो गाइस जिसमें हमने ऑयल लगाया ना इसको ना उसी में पलट देंगे। इसको ज़्यादा पतला नहीं करना है, ये ना अच्छा सा ठंडा हो गया है बहुत अच्छे सा। और इसके हम काटेंगे पीस, पीस आप अपने हिसाब से काट लें, इनका ना ट्रायंगल पीस बिल्कुल नहीं काटें, मैं जैसे काट रही हूँ आप उसी हिसाब से काटें गाइस। देख रहे हो अच्छा सा चिपक गया ये, मैंने आराम आराम से, और इसे ये एकदम ठंडा हो जाए तभी आप इसके पीस निकालें, क्योंकि ये ना बिल्कुल कटता नहीं है बेसन, कभी कभार है ना थाली को छोड़ता नहीं है। मैं ऐसे ही जिस तरह बर्फी काटते हैं ना उसी पीस
चौकड़ी टाइप की मैं यह निकाल लूँगी, ऐसे पीस सबको निकाल लूँगी। तो आराम आराम से निकाल लेना गाइस, पीस ऐसे रख लेंगे हम, मुझे आराम से निकल आते हैं। गाइस ये सारे अच्छे से ठंडे हो गए, अब हम इसको क्या करते हैं, इन्हें करेंगे हम सेलो फ्राई। तो हम गैस की तरफ चलते हैं। गाइस मैंने पैन ले लिया, ऑयल डाल दिया है, अब इसको ना मैं ऐसे ही सब पीसों को ना हम ऐसे डाल देंगे, डीप फ्राई नहीं करना है गाइस, ये हमें सिर्फ सेलो फ्राई करना है। तो गाइस ये हम इन्हें ना ऐसे ही फ्राई कर लेंगे, बहुत अच्छा पका है इसलिए बेसन खुला नहीं है गाइस। अगर हमारे ये सेट नहीं हो पाता ना तो इनका ना एक कढ़ाई में जब हम डालते तो एकदम खुल जाता है, तो बेसन हमारा ना पानी में अच्छा सा पक गया था, इसको अच्छा सा खदकाते हैं तभी ये पकता है बेसन। तो गाइस इन्हें सबको ऐसे ही सेकने देंगे, अब इनको देखते हैं हम पलट के, ये हमारे ना बेसन टिक्का तला है कि नहीं। गाइस ये बहुत शानदार सिका है, बस हमें ना ऐसे ही सारे सेक लेना है। इनको मैं आराम आराम से पलट दूँ गाइस, इनको ना आराम आराम से पलटें, थोड़ा परेशान करते हैं ये पलटने में, ये बहुत सॉफ्ट चीज़ है ना इसीलिए। अरे यार पलट जाओ। तो गाइस ये देख रहे हैं आप, ऐसे ही हमें सेक लेना है। तो गाइस ये देख रहे हैं मैंने पलट के ना देखा है, तो ये सारे अच्छे से पलट गए और ये साइड से अच्छे से सिक गए और उस साइड से भी बहुत अच्छे सिक गए होंगे। तो गाइस ये दोनों तरफ से अच्छे से करारे सिक गए, अब मैं इनको ना बाहर निकाल लेती हूँ। तो हमें ना सारी एक एक पीस दूसरे बर्तन में निकालते जाएंगे। तो गाइस फाइनली मेरा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट इवनिंग ब्रेकफास्ट, आप जब भी समय हो आपके पास और मन ललचाए तो आप बनाएं बेसन टिक्का। तो गाइस इनका नाम है बेसन टिक्का, ये जितने दिखने में स्वादिष्ट लग रहे हैं खाने में उतने ही लजीज मज़ेदार, इतना स्वादिष्ट है इनका स्वाद कि मैं आपको क्या बताऊं, लग भी नहीं रहा है गाइस कि ये बेसन है। और गाइस आपको ना ये अंदर से उतने ही सॉफ्ट मिलेंगे, बाहर से जितने सख्त मिलेंगे, अंदर से देख रहे हो गाइस एकदम मोम दिल के हैं ये, दिखने में ऐसे दिखाई दे रहे हैं। गाइस आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इनको लाइक करना, मेरे बेसन टिक्के को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। हाँ मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब करना, बेल आइकन घंटी प्रेस करना, तभी तो मैं आपके लिए ऐसे ऐसे टिक्के लेके आऊँगी। टेक केयर, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको आप लाइक करना, मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करना, बेल आइकन घंटी को प्रेस करना ताकि मैं ऐसी वीडियो लेके आऊँ। टेक केयर।